लागत अधिक और लाभ कम होने से परेशान उत्तर प्रदेश के किसान अब परंपरागत फसलों से अलग लाभकारी फसलों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसी लाभ के चाहत में फरुखाबाद के प्रगतिशील किसान अब फूलों की खेती कर सालाना लाखों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। इस बदलाव से उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है। ऐसे समय में गेंदे के फूल की खेती जमीन के लिए फायदेमंद तो है ही, इस फसल से कम लागत में हजारों रुपए की कमाई भी हो जाती है। यही कारण है कि दोगुने लाभ अर्जित करने के लिए क्षेत्र के किसान अब गेंदा फूलों की खेती की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। फूल किसान शिव कुमार बताते हैं कि गेंदे फूल की खेती सीजन के अनुसार तैयार करते हैं। आज के समय में माला और गुलदस्ता बनाने के साथ ही धार्मिक आयोजन, पूजन और विवाह के विभिन्न कार्यक्रमों में फूलों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय पर वह पूरे दिन फूलों की तुड़ाई करते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि फूलों को बेचने के लिए बाजार या फिर कृषि मंडी नहीं जाना पड़ता, बल्कि ये खेत में ही बिक जाता है और पैसे भी तुरंत मिल जाते हैं। पारंपरिक फसलों से अलग इस फसल को बेचने के दौरान कोई मिडलमैन नहीं होता है, इसलिए हमें फसलों का पूरा दाम मिल जाता है। पहले फसल बेचने के बाद अपने ही पैसों के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्पष्ट है कि कृषि में नवाचार और नई सोच ने किसानों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। लाभदायक कृषि होने के कारण लोग अब अपने परंपरागत खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी नहीं कर रहे हैं। लोग अब खेती को एक व्यवसाय के तौर पर आधुनिक तरीकों से विकसित कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण उद्योग को बल तो मिल ही रहा है, साथ ही गाँव के लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और समर्थ भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं।